वहीं यूपी के संभल में एसडीएम विनय मिश्रा ने ट्रैक्टर पर बैठकर गांव के जलभराव वाले इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव में जल निकासी की व्यवस्था सही रूप से न होने के कारण यहां जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। तत्कालीन रूप से नाला खुदवाकर झील से उसे मिलाने का प्रयास किया जा रहा है और करंट लगने के रिस्क के कारण गाँव में बिजली भी नहीं है और शाम तक बिजली भी आ जाएगी। गोहद गांव है, जानकारी मिली है कि उसमें 3 दिन से पानी भरा हुआ, तो क्या व्यवस्था की गई है और क्या मामला सामने आया? आप भी मौके पर आए? हम लोग गोहद गांव में खड़े हुए हैं इस समय। इस गांव की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि गांव थोड़ा दबा हुआ है और आसपास का इलाका थोड़ा ऊंचा है और जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था न होने के चलते ये पानी यहाँ बरसात का भर गया है। तो हम लोग तत्कालीन रूप से यहाँ पे एक नाला खुदवा के थोड़ा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे एक झील है उधर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 JCB लगा के नाला खुदवाया जा रहा है, उम्मीद कर रहे हैं कि नाला खुदते ही ये तात्कालिक रूप से दूर हो जाएगी। फिर गांव के समीप एक तालाब भी बताया गया है, उस तालाब की भी चिन्हांकन करा के उसकी भी गाद निकलवा देंगे ताकि बड़ा जो पानी का अंश है वो वहाँ पे भी समाहित हो सके। सुना है कि बिजली भी बनकर आती है गाँव की, बिजली को रिस्क है कि पूरे गाँव में पानी भरा पड़ा है तो कहीं करंट रेंट ना फैले इधर उधर, इसलिए उसको रोका गया। तो आज शाम तक हम उम्मीद करते हैं कि पानी निकल जाएगा तो बिजली की व्यवस्था भी सुचारू हो जाएगी।